मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके सामने बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको विभिन्न परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले जनरल क्वेश्चंस हैं वो चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, यूपीएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, पुलिस हो, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इससे एक नए क्वेश्चन अवश्य पूछते हैं जो कि गवर्नमेंट भी परखती कि आप में कितनी अवेयरनेस है। अवेयरनेस का मतलब हुआ आप कितने सजग हैं। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन की एक श्रृंखला तैयार की है जिसे आप देखें और इसमें आपको मज़ा भी आएगा क्योंकि ये आपके दैनिक जीवन से संबंधित है और आप में अवेयरनेस भी आएगी, आप जागरूक भी होंगे और परीक्षा के प्रश्न भी हल होंगे। तो एक के साथ एक फ्री है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं, उससे पहले आप मेरे चैनल को डॉक्टर नोट्स जो भावी बायो एग्जाम टाइम्स चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें जिससे हम और ज़्यादा आपके लिए ला सकें मज़ेदार। तो दोस्तों हम अपना टॉपिक शुरू करें, उससे पहले हम आपको एक चीज़ बता दें कि मैं कई दिनों से फेसबुक पे देख रहा हूँ कि एक क्वेश्चन चल रहा है कि विटामिन की खोज किसने की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विटामिन की जो खोज संबंधी प्रश्न है तो विटामिन की खोज लूनिन ने की थी। किसने की थी? लूनिन ने की थी। और विटामिन जो नाम दिया था वो फंक ने दिया था और जो संरचना दी थी वो हॉपकिंस ने दी थी। ध्यान रखिएगा, जो खोज की लूनिन ने की, नाम फंक ने दिया, संरचना हॉपकिंस ने दी, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि लगातार लड़के फंक फंक कर रहे हैं खोज में तो ये गलत है। तो दोस्तों हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, पानी से पैदा होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां। तो दोस्तों बीमारियां कौन कौन सी हैं पानी से पैदा? देखिए पानी क्या होता है दोस्तों, बेसिक जरूरत है हम सबकी। तो बेसिक जरूरत होने के कारण पानी क्या करते हैं, हम कभी कभी गंदा पानी भी पीते हैं हम सब, तो उससे ढेर सारी बीमारियां होती हैं। उनमें से पहली जो बीमारी है वो है दोस्तों अमीबियोसिस। क्या है? अमीबियोसिस है। अमीबियोसिस क्या होता है ध्यान रखिएगा, लिखिएगा आप पेन कॉपी ले लीजिएगा। अमीबियोसिस जो होती है वो अमीबियोसिस होती है आपकी एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ध्यान रखिएगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यह एक प्रोटोजोआ है। क्या है? प्रोटोजोआ है जिससे अमीबियोसिस होती है, जिसे हम खूनी पेचिस के नाम से जानते हैं। इसमें रोगों को खूनी पेचिस आती है, पेट में अल्सर हो जाते हैं। दूसरा है अल्सर। ये तो दोस्तों जो अल्सर है, अल्सर भी किसके कारण होता है? गंदे पानी पीने से। नेक्स्ट है हैजा, जिसे आप कॉलरा के नाम से जानते हैं। दोस्तों किसके नाम जानते हैं? कॉलरा के नाम से जानते हैं हैजा को। तो जो हैजा है उसे कॉलरा के नाम से आप जान रहे हैं और ये किससे होता है? विब्रियो नामक बैक्टीरिया से। किससे होता है? विब्रियो कॉलराई नामक बैक्टीरिया, फिर से लिखेगा, विब्रियो कॉलराई नामक बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया क्या करता है? हैजा उत्पन्न करता है जिसमें लेटरिंग और उल्टियां शुरू हो जाती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों और बीमारियां, डायरिया। डायरिया तो दोस्तों किससे होता है? डायरिया होता है, ध्यान रखिएगा, डायरिया होता है प्रोटोजोवा से। कभी कभी पूछ देता है डायरिया किससे होता है, तो प्रोटोजोवा, प्रोटोजोवा जिसका नाम होता है जिराडियाना, 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 ध्यान रखिएगा मैं तीन तीन बार बोल रहा हूँ जिससे आप लिख लें आराम से। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस को पीलिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीलिया। तो ये पीलिया रोग किससे होता है दोस्तों? गंदे पानी से। और पीलिया हरदम किससे होता है? वायरस से होता है। किससे होता है? वायरस, हिंदी में विषाणु कहते हैं। टाइफाइड बुखार, जो दोस्तों टाइफाइड बुखार है यह होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया, हिंदी में जीवाणु कहते हैं और यह होता है साल्मोनेला टाइफी से। लिखिएगा साल्मोनेला टाइफी से होता है। नेक्स्ट है, और दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्वच्छता और स्वच्छता रोग। जो स्वच्छता जहाँ नहीं होती है उसके कारण दोस्तों एक रोग होता है, स्वच्छता ना होने के कारण। तो ये स्वच्छता ना होने के कारण जो रोग होता है तो हम उसकी बात करते हैं कि कौन से रोग होते हैं जो सही स्वच्छता ना होने के कारण होता है। तो वो दोस्तों होता है कौन? डर्माटोफोटियासिस, जिसे रिंग वर्म बोलते हैं, जिसे आप लोग दाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाद। ये जो दाद है ये कवक से होता है। किससे होता है दोस्तों? कवक। ध्यान रखिएगा, पूछ देगा दाद किससे होता है या रिंग वर्म किससे होता है, वो किससे होता है? कवक से, जिसे हम फफूंदी भी कहते हैं।
फिर है खुजली। दोस्तों खुजली किससे होता है? बैक्टीरिया से भी होता है और कवक से भी होता है। मृदा संचारित हेलमेंथियासिस, हेलमेंथियासिस में आपने नाम सुना होगा, पटेरुआ, पटेरुआ बोलते हैं दोस्तों, जिसे फीताक्रम बोलते हैं, ये बच्चों के पेट में हो जाता है, गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं, तो इनके जो अंडाणु हैं वो अंडे पेट में चले जाते हैं, क्योंकि मिट्टी में पाए जाते हैं, वो बच्चे खेलते रहते हैं और गंदे हाथों से खाना खा लिया, पेट में चले गए, जहाँ ये फीताक्रम हो जाते हैं, बच्चे कमजोर हो जाते हैं, तो डॉक्टर क्या देता है उन्हें? अल्बेंडाजोल की गोलियां देता है, जिससे क्या होता है दोस्तों, इन कीड़ों की मृत्यु होती है। नेक्स्ट देखते हैं मुख्य वेक्टर और बीमारियां। दोस्तों ध्यान रखिएगा, मुख्य वेक्टर और बीमारियां क्या हैं? मुख्य वेक्टर, देखिए वेक्टर शब्द किसके लिए? वाहक। देखिए विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं वो रोग नहीं फैलाते हैं, सिर्फ वाहक का काम करते हैं, यानी जीवाणु विषाणु कवक को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, क्योंकि उनके इनके पैर तो होते ही नहीं है, जीवाणु विषाणु कवक के पैर तो होते नहीं कि चल के आपसे वहां पहुंच जाए, तो ये क्या किसका करते हैं यूज? माध्यम का। तो उसमें से मुख्य माध्यम है एडीज मच्छर, लिख लीजिएगा आप, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एडीज, ये आप चित्र देख लीजिएगा एडीज का, इसके शरीर में देखिए व्हाइट व्हाइट स्पॉट बने हैं और इससे से पहचाना जाता है, ये दिन में काटता है, इससे रोग कौन सा होता है दोस्तों? चिकन गुनिया। क्या होता है? चिकन गुनिया। इसमें क्या होता है? जोड़ दर्द होते हैं, रोगी के जोड़ दर्द होते हैं और फीवर आता है। डेंगू, आप सब जानते हैं डेंगू को, डेंगू भी किससे होता है? एडीज से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेंगू का वाहक कौन है, किससे फैलता है, तो किससे फैलता है? मच्छर से। और पैथोजन कौन है? वायरस। ये मच्छर, अब हम आपको एक डिटेल बता दें, ये मच्छर जैसे मान लेते हैं आपको डेंगू है और ये मच्छर आपको काटा, तो इसकी जो प्रोब्स होती है यानी जो सुंड होती है जिससे ये खून चूसता है, उसमें वायरस चिपक गया और वो उड़कर बाय द वे हमें काट ले, तो आपका जो वायरस है उसी सुंड में चिपक कर हमारे अंदर प्रवेश कर गया, तो हमें भी डेंगू हो गया। तो ये इस तरह से दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान फैलता है। पीत ज्वर जिसे येलो फीवर बोलते हैं, ये भी किससे फैलता है? एडीज से फैलता है। जीका, आपने देखा होगा जीका, जीका खूब चला था, खूब प्रचारित था जीका वायरस, राजस्थान में वायरस है दोस्तों विषाणु जीका, इससे क्या होता है? फीवर होता है, नाक बहने लगती है और जुकाम होता है और सही नहीं होता, फीवर रहता है और इसकी कोई प्रभावी दवा नहीं है। आपने अफ्रीका वगैरह में उस बीच में सुना होगा जीका, जीका नाम खूब चल रहा था, तो जीका भी किससे फैलता है? एडीज से फैलता है, और ये आप लिख लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट है एनाफ्लीज मच्छर। तो दोस्तों एनाफ्लीज से क्या होता है? एनाफ्लीज मादा एनाफ्लीज काटती है, कौन वाहक का काम करती है? मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज से एक जीव से दूसरे जीव में जो पैथोजेंस होता है ट्रांसफर होता है, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? एनाफ्लीज के काटने से। ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है नर एनाफ्लीज और मादा एनाफ्लीज, तो दोस्तों आप किस में टिक लगाएंगे? मादा एनाफ्लीज में। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ के कारण होता है, किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ, और उस प्रोटोजोआ का नाम क्या? प्लाज्मोडियम, लिखिएगा प्लाज्मोडियम, याद करिएगा प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम से होता है। और लिम्फेटिक फाइलरेसिस, फाइलेरिया रोग होता है जिसे हम हाथी पांव बोलते हैं, पील पांव बोलते हैं, तो दोस्तों ये किससे होता है? ये भी प्रोटोजोवा से होता है, उस प्रोटो सॉरी सॉरी प्रोटोजोवा से नहीं होता, ये होता है निमेटोड से, जिसका नाम होता है वाउचेरिया ब्रैंको फैटाई, वाउचेरिया ब्रैंको फैटाई, यह एक निमेटोड्स है। क्या है? निमेटोड्स बोलते हैं इसको, वाउचेरिया ब्रैंको फैटाई, जिससे क्या होता है? पील पाँव या हाथी पाँव या फाइलेरिया होता है, और ये रोग किससे होता है? एनाफिलीज मच्छर से, ये चित्र में आप देख रहे हैं। फिर होता है क्यूलेक्स मच्छर से, दोस्तों क्या होता है? क्यूलेक्स मच्छर से जापानी बुखार होता है। जापानी बुखार क्या होता है? ये बच्चों को अक्सर इन्फेक्टेड करता है और ब्रेन पे अटैक करता है, दिमाग पे अटैक करता है, और आपने ध्यान दिया होगा कि जापानी बुखार से गोरखपुर में बहुत सारे बच्चे मरे थे, जब ऑक्सीजन की कमी बोली जा रही थी, तब ये सब बच्चे इसी जापानी बुखार से रोगग्रसित थे, और ये कौन फैलाता है? क्यूलेक्स, और आप ये देख लीजिए जिससे आप इसको याद रखें, तो हम क्या करते हैं? मच्छरों से बचकर अनेक बीमारियों से बचा सकते हैं।
नेक्स्ट है रेत मक्खी। तो दोस्तों रेत मक्खी से क्या फलता है, सैंड फ्लाई बुखार, जिसे फेहबोटामस बुखार बोलते हैं। फेहबोटामस बुखार के नाम से दोस्तों जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ये देसी रेत मक्खी है। नेक्स्ट है टिक जनित, देखिए टिक को दोस्तों किलौनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं वैसे नॉर्मली गांव में, किलौनी बोलते हैं। किलौनी कैसे होते हैं, कुत्तों में, बकरियों में और भेड़ों में और भैंसों में आदि में लगी रहती हैं। ये क्या करती हैं, टिक जनित इंसेफ्लाइटिस, इंसेफ्लाइटिस मतलब होता है दिमागी बुखार फैलाती हैं, जो वायरस से होता है। ये क्या करते हैं, एक जीव में जैसे वायरस है, उसको जैसे उसका खून चूसा, इसमें वायरस चिपक जाता है, ये जब जाकर चलकर दूसरे जीव में जाते हैं उसको काटते हैं, तो ये इस तरह से ट्रांसफर होता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट है ट्राई एटोमाइन कीड़े। ट्राई एटोमाइन कीड़े क्या होते हैं दोस्तों, घरों में पाए जाते हैं। इससे चगास रोग होता है। कौन सा रोग होता है, चगास रोग होता है, जिसे अमेरिकी ट्रिपैनोसोमियोसिस बोलते हैं। देखना चगास रोग खूब पूछते हैं, चगास रोग किससे होता है, तो किससे होता है, ट्राई एटोमाइन कीड़े से होता है। ये ट्राई एटोमाइन कीड़ा आप देख लीजिएगा। फिर आता है दोस्तों सीसी फ्लाई मक्खी। सीसी फ्लाई मक्खी से क्या होता है, निद्रा रोग, स्लीप सिकनेस बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, स्लीप सिकनेस। और ये किससे होता है, एक प्रोटोजोअन से होता है जिसका नाम होता है ट्रिपैनोसोमा। क्या होता है, ट्रिपैनोसोमा से क्या होता है, निद्रा रोग होता है। इसमें रोगी को फीवर आता है और वो सोता रहता है, और अगर सही उपचार ना हो तो सोते सोते ही वो मर जाता है। ये देखिए दोस्तों सीसी फ्लाई मक्खी, आप चित्र पर देख लीजिएगा, ये रेत पर पाई जाती है। ये प्रायः बुखार दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और ये नदी किनारे मक्खी पाई जाती है। पिस्सू, दोस्तों ये जो पिस्सू आप देख रहे हैं चित्र पे, आप नजर डालिएगा, ये पिस्सू है, और ये कहाँ रहता है, चूहों के स्किन पे रहता है पिस्सू। इससे प्लेग होता है, बहुत खतरनाक होता है, और इससे क्या होता है, पुराने समय में पूरे के पूरे गांव दोस्तों इसी से मर जाते थे। पूरे के पूरे गांव में महामारी फैलती थी पिस्सू के कारण। और क्या होता है, रिकेटेसियोसिस होता है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, इससे खुजली संबंधी बीमारी हो जाती है। तो पिस्सू से क्या होता है दोस्तों, प्लेग होता है, ध्यान रखिएगा। पूछता है प्लेग किससे होता है, तो किससे होता है, पिस्सू से होता है। चूहे मरते हैं तो ये क्या करते हैं, अगर चूहा से ग्रसित है तो वो क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान इनके माध्यम से पहुंच जाते थे। नेक्स्ट जू, जू से क्या होता है दोस्तों, जू जो सर में पाया जाता है, इसे जुआ बोलते हो। टाइफस और लाउस बॉर्न डिसेप्शन बुखार आता है। ये भी क्या होता है, वायरस जनित रोग है, वायरस से फैलने वाला रोग है। सिर्फ जू क्या कर रहा है, वाहक का काम करता है। मान लेते हैं हमें है, तो हमसे जब तुम में जाएगा तो वो वायरस को हमसे तुम में ट्रांसफर कर देगा। फिर होता है लेड विषाक्तता। लेड से कौन से रोग होते हैं, लेड जब अधिक हो जाता है बॉडी में तो ध्यान रखिएगा, हृदय रोग होता है दोस्तों। क्या होता है, हृदय रोग, एनीमिया। एनीमिया क्या होता है दोस्तों, एनीमिया मतलब होता है खून की कमी का होना। खून की जब कमी हो जाती है तो उसे एनीमिया बोलते हैं। और व्यक्ति ये कहा, खनन, जो विभिन्न प्रकार की खदानें खोदी जाती हैं उसे खनन बोलते हैं। और विभिन्न प्रकार के रिसाइकलिंग अर्थात जैसे आप बैटरी बेचते हैं, बैटरी, और उसको क्या करते हैं, गलाते हैं, पॉलीथीन आप बेचते हैं वो गलाते हैं, तो इससे वो लेड निकलता है। नेक्स्ट है आर्सेनिक। तो दोस्तों आर्सेनिक से आर्सेनिकोसिस होता है और कैंसर होता है। कैंसर कहाँ का, फेफड़े, मूत्राशय और त्वचा का कैंसर होता है। हृदय रोग, आर्सेनिक जब ज्यादा बॉडी में चला जाता है तो ये रोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कुछ विशेष प्रकार के हम आपको लाए हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो पारा की कमी से क्या होता है दोस्तों,
मिनमाटा होता है, कौन सा होता है, मिनेमाटा रोग होता है जल में पारा की अधिकता से। दोस्तों यह मिनमाटा रोग सबसे पहले जापान में फैला था, और जापान के जो फैक्ट्री थी उसने एक झील में पानी डाल दिया था फैक्ट्री का, जिसमें पारा था, वहाँ की मछलियों ने खाया और उन मछलियों को वहाँ के लोगों ने खाया, तो लोगों को एक रोग हो गया जिससे उनमें अस्थि विकार हो गया, यानी हड्डियाँ टेढ़ी हो गई और उनका जो नर्वस सिस्टम था, तंत्रिका तंत्र था, वो काम नहीं कर रहा था, जिसे हम मिनमाटा रोग बोलते हैं। दोस्तों कैडमियम, जल में जब कैडमियम की अधिकता होती है, जब इसको लोग यूज करते हैं, तो इटाई इटाई रोग हो जाता है, कौन सा होता है, इटाई इटाई रोग होता है, ध्यान रखना। इसी से एक और रोग होता है आउच आउच, क्या होता है, आउच आउच रोग होता है, इटाई इटाई और आउच आउच। जल में दोस्तों जब नाइट्रेट की अधिकता हो, जब जल में नाइट्रेट ज्यादा हो, तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट भी होता है, अभी आर्सेनिक से हमने कैंसर भी बताया था, और ब्लैक फुट भी होता है। एस्बेस्टोस के रेसे, एस्बेस्टोस जो होता है उसकी जो रेसों की अधिकता से एस्बेस्टोसिस हो जाता है। नेक्स्ट है फ्लोराइड, जब दोस्तों पानी में फ्लोराइड ज्यादा होता है, तो उस फ्लोराइड से फ्लोरोसिस हो जाता है, क्या हो जाता है, फ्लोरोसिस हो जाता है। फ्लोरोसिस में क्या होता है, दांत बिल्कुल पीले पड़ जाते हैं, हड्डियां सारी मुड़ने लगती हैं, भंगुर होने लगती हैं, और हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों आपकी हर परीक्षा में यह वीडियो काम आएगा, कोई भी परीक्षा हो, अगर आप कंपटीशन करने वाले छात्र हैं तो आपके लिए ये रामबाण सिद्ध होगा। कोई भी परीक्षा हो, ये आप ये मत समझिएगा कि नहीं ये केवल एक ही परीक्षा के लिए बनाया गया है, आप कोई भी परीक्षा हो इनको आप याद कर लीजिए, ये सदा आपके साथ रहेंगे और आप सफल हो, इसी कामना के साथ धन्यवाद। नया वीडियो दोस्तों जल्द लेकर आएंगे, और कोई भी समस्या हो हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।